अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सारों का? सारे ठीक हो, फिट हो? तो यार, आज संडे है और आप मेरे पीछे नेचर और कुदरत के नज़ारे देख सकते हो यार, कि कितने अल्लाह ताला ने जो है ये हमें गिफ्ट ही दिए हुए हैं। और हम लोग जाते नहीं हैं बाहर घर से। आजकल की दुनिया जो है ज़रा टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी जो है, आपको पता है, मोबाइल से और बाकी चीज़ों से नहीं निकलते हम। लेकिन यार, मैं आज बेसिकली यहाँ पे आया इसीलिए हूँ, मुझे एक मेरे जिम ट्रेनर ने बताया था कि यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पे विज़िट करो और देखो, मज़ा ना आया तो बताना। तो यार, बाकी यार जगह बहुत अच्छी है, और ज़रूरी नहीं है कि यार जगह ना मतलब कुछ हो तो ही बंदा जाए। मीन्स नेचर है, आप देखें हिल टाइप है यहाँ पे, और क्योंकि आपको पता है विंटर्स आ रहे हैं और ख़जा आया हुआ है, इसकी वजह से हर जगह पे बड़ा मतलब अच्छा एक सीन बना हुआ है। तो मैं ट्राई करूँगा सारे क्लिप्स को कवर करने के लिए, और फिर इंशाल्लाह वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूँगा। ये टेंट्स लगे हुए हैं कुछ, आई थिंक कार बूट सेल टाइप है कुछ, तो जाके देखते हैं। ये देखिए यार, ये नज़ारे कहाँ मिलेंगे तुम्हें। रुक रुक है दिस। भाई फ्रेश मिनी डोनट्स लिए, और गर्मा गर्म डोनट्स का जो मज़ा होता है ना यार, वो अब खा के बताता हूँ कैसे हैं। तो यार वो कहते हैं ना, मज़ा आ गया। आ हा हा हा। तो यार यही होता है, बंदा आ जाता है और खाओ पियो मौजे मारो, 5 दिन काम करो और फिर एंजॉय करो। तो ये यार मेरे पीछे की सीनरी आपने देख ली है, और ये आगे जो है ये आपको यहाँ पे एक मार्केट लगती है एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ संडे को। तो यहाँ पे मतलब लोगों ने डिफरेंट अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और चीज़ें बेच रहे हैं। बहरहाल मैं भी देख रहा हूँ, और अगर कोई बर्मिंघम में रहता है तो वो भी आके देख सकता और इंजॉय करेंगे आप। इधर गोल्फ की सहूलियात भी मौजूद है, देख सकते हैं।
गोल्फ खेला जा रहा है। इस साइड पे भी है वो आगे तक, और इस साइड पे भी है। देखो तो यार, ये टू बी ऑनेस्ट के नेचर वाइज अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं तब रेकमेंडेड है, वरना अगर कोई बंदा इतना चल नहीं सकता, इतना घूमने फिरना या इतनी नेचर वगैरह से इसका ज़्यादा वो नहीं है, दिल लगी नहीं है, तो वो ना ही आए तो इधर, क्योंकि फिर वो मुझे गालियाँ ही निकालेगा कि यार ये कैसी फजूल सी जगह बुला लिया। यार मैंने कहा कि ना वीडियो कुछ लोगों के लिए बोरिंग ना हो, इसलिए काम की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। काम की बात ये है कि यार कुछ लोग कह रहे थे पिछली वीडियो की कमेंट्स के अंदर कि आप ना वर्क परमिट के ऊपर बताएं। वर्क परमिट के ऊपर यार मैं पहले बता चुका हूँ, अगर मेरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं एक जनरल सी चीज़ बता देता हूँ कि वर्क परमिट के ऊपर जो आता है ना बंदा, यार उसके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि पहली बात तो अपना माइंड बना के आए कि किस किस फील्ड के अंदर जॉब ढूंढनी है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो फिर तो यार वही बात है, फिर धक्के खाने वाली बात है। कभी स्टोर में काम कर लिया, कभी किधर काम कर लिया, एक आपका क्लियर पाथवे नहीं है। तो इस लिहाज से जो है ना मैं ये बोलूँगा कि एक तो अपना माइंड बना के हो कि इसमें काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना एटलीस्ट 4 से 5 महीने का जो है ना बैकअप लेके आओ, ठीक है। 5 से 4 महीने का बैकअप होगा, उसके बीच में आप हाथ पांव मारो कहने के जॉब मिल जाएगी। दूसरा ये कि जो वर्क परमिट होता है उसके पास जो है डिपेंड करता है कि कितने आवर्स का परमिट है। अगर तो फुल आवर्स है तो फिर वो किसी भी फुल टाइम जॉब के अंदर जो है उसको मिल सकती है, ढूंढनी पड़ेगी जॉब। और जिस तरह पिछली वीडियो देखें अगर सीवी वाली, तो अपनी सीवी वैसे बना लें, और फिर वही बात है कि एक दफ़ा आपका क्लियर माइंड सेट हो कि आपने किस में जॉब करने, मेरा था, मैं आया था, मैंने कहा यार मैंने HR के अंदर अपना मास्टर्स किया था, तो मैंने कहा कि मैं HR के अंदर ही जो है वो अपना आगे जॉब ढूंढूंगा, तो मैं अपने HR के अंदर ही हूँ। तो वही बात है कि आप भी अपना सारा करके आओ, सोच समझ के आओ, और फिर आओ यार, आओ जॉब करो, कमाओ भाई, हर किसी को वो है। तो यार अगर आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने CV के ऊपर भी बनाई थी, और उससे पहले भी, मेरे ख्याल से मुझे अब याद नहीं है टाइटल उसका, लेकिन उसके अंदर मैंने वर्क परमिट का भी बताया था, ठीक है, तो आपने वो जाके देख लेनी है। और दूसरा एक और इजी वे बताता हूँ, वो आप अगर gov.uk की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर आप जाके वर्क परमिट के बारे में देख लें, आपको एक ओवरऑल मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें, और कितना वर्क अलाउ होता है, क्या चीज़ होती है। बहरहाल जो वर्क परमिट होता है ना, मेरे हिसाब में उसमें फुल टाइम अलाउ होता है, तो अगर तो वो है तो फिर तो बेस्ट है, आप इजीली कहीं पे भी ढूंढ सकते हो जॉब। लेकिन वही बात है, इजी तो नहीं है जॉब ढूंढना, लेकिन ये है कि अपना माइंडसेट क्लियर हो तो फिर उसी में आप अप्लाई करते रहो, और फिर कंपनी वेबसाइट्स पे जॉब फेयर्स में जाओगे तो यार कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये हमारा छोटी सी आज ख्वारी आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने सोचा कि काम की बात भी कर लें ताकि वीडियो ज़ाया ना हो, टाइम नहीं मिलता यार, काम होता है आपको पता है सारा हफ्ता, तो उसमें टाइम नहीं मिलता, सर्दियां भी आ गई हैं, दिन भी छोटे हो गए हैं, तो उस लिहाज से भी टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सारे अपने ख्याल रखना, अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।
किसी नए टॉपिक के साथ, और अगर कहीं नए जगह पे गए तो वहाँ से इंशाल्लाह। मेरा प्लान है लिवरपूल जाने का, और अगर वहाँ चले गया तो वहाँ से आपको नज़ारे कराएंगे लिवरपूल के। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।